तो दिवालिया होने के कगार पर खड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपनी सभी उड़ानें 19 मई तक के लिए रद्द कर दी है। एयरलाइन के बार बार फ्लाइट कैंसिल करने की वजह से खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जी बिजनेस के गो फर्स्ट से कुछ सवाल हैं। आपको वो सवाल बता देते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि फ्लाइट तो कैंसिल कर दी, आखिर यात्रियों को रिफंड कब मिलेगा? दूसरा सवाल है, डीजीसीए के निर्देश की अनदेखी क्यों हो रही है? ये सवाल जो है उसे बिजनेस पूछ रहा है। डीजीसीए ने जल्द से जल्द रिफंड करने का निर्देश दिया है। और तीसरा सवाल है, रिफंड की तारीख क्यों नहीं बता रही है गो फर्स्ट? ये तीसरा सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल देखिए, गो फर्स्ट की गलती, यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है खामियाजा, आखिर क्यों? ये सवाल जो है वो जी बिजनेस पूछ रहा है गो फर्स्ट से। और पांचवा आखिरी बड़ा सवाल है कि एयरलाइन के पास यात्रियों की दिक्कतें दूर करने के लिए क्या प्लान है? ये पांच सवाल जो है वो जी बिजनेस ने पूछे हैं। तो इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, हम देख रहे हैं कि गो फर्स्ट को दिवालिया घोषित तो कर दिया गया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि यात्रियों का रिफंड कब मिलेगा, जिसके वजह से यात्री जो है वो दिक्कत में है। तो यात्रियों को रिफंड के लिए कंपनी की तरफ से कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए भावना, एनसीएलटी कोर्ट में अर्जी दी थी कंपनी ने इंसॉल्वेंसी की, यानी कि खुद से वहां गई थी ये बोलने के लिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है ऑपरेशनल चीजों को चालू रखने के लिए, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि प्रैट एंड विटनी से इंजन नहीं आ रहा है, इस वजह से हम अपनी चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपने ऑपरेशन, और हमें इसलिए मोराटोरियम दिया जाए। कंपनी ने अपने आप को इंसॉल्वेंसी में जरूर भेजा था, लेकिन उसके पीछे की वजह यह थी कि वो अपने आप को एक राहत चाहती थी उन तमाम चीजों से, उन तमाम बाध्यताओं से जो कि लेसर्स की तरफ से, बैंकों की तरफ से या बाकी अन्य एजेंसीज की तरफ से उनके ऊपर थी, वो चाहती थी उनसे थोड़ी सी राहत मिल जाए। अब अगर बात करते हैं हम यात्रियों के रिफंड की, तो जिस दिन से गो एयर ने, गो फर्स्ट ने अपनी उड़ाने कैंसिल करने का घोषणा किया था, उस दिन से लोगों के पास ये तकलीफ थी कि आखिर अगला जो कार्य काम होगा उनका वो कैसे वो करेंगे, अगली जो यात्रा होगी वो कैसे कर सकते हैं, जो पैसा इन्होंने गो फर्स्ट में लगा है वो पैसा रिफंड कैसे होगा। और इन सारे सवालों को लेकर हम जी बिजनेस जो है पहुंचा था गो फर्स्ट के पास, और गो फर्स्ट ने दो टूक शब्दों में ये कहा है कि फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट के निगरानी में है, इसलिए इस मामले पे हमारा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन आईआरपी क्योंकि पूरे मामले को देख रहा है, और कल ही जो सीईओ थे उन्होंने हैंडओवर कर दिया था अपने सारे पावर्स आईआरपी को, हमने आईआरपी से जब बात की तो आईआरपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी प्राथमिकता है लोगों के फंसे पैसे ले बाहर दिलाना, उनको वापस करना। तो जी बिजनेस के साथ, जी बिजनेस इस मुहिम के साथ वहां तक गया था, और एक पॉजिटिव चीज वहां से ये लेकर आया है कि यात्रियों के पैसे मिलेंगे, और प्रायोरिटी में वही पैसे सबसे पहले मिलेंगे, इसके पहले कि लेसर्स को पैसे दिए जाए या फिर किसी अन्य भुगतान को किया जाए, सबसे पहले यात्रियों को रिफंड किया जाएगा, इसके बाद बाकी कोई अन्य खर्च करेगा। आईआरपी ने ये साफ शब्दों में आश्वासन दिया है। अगर हम पूरे प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रक्रिया ये है कि जब भी कंपनियां इस तरह के इंसॉल्वेंसी में जाती हैं तो सबसे पहला जो हक होता है उस कंपनी का, उस कंपनी के पैसे पर, वो होता है बैंक्स का। पहले बैंक्स अपने पैसे लेते हैं, उसके बाद बाकी जो देनदारियां हैं वो खत्म की जाती हैं, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पैसा लोगों के या फिर स्टेक होल्डर्स के खर्च के लिए या फिर उनके जो रिफंड है उनको भुगतान करने के लिए जाता है। यहाँ इस गो फर्स्ट के केस में एक बात थोड़ी अलग है, यहाँ कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है, लेकिन आईआरपी जो कोर्ट ने नियुक्त किया है उसकी प्राथमिकता भी यही है, और दूसरा रेगुलेटर और सरकार यानी कि डीजीसी और सरकार, उनकी भी प्राथमिकता, जी बिजनेस ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप जो सवाल हमारे पास लेके आ रहे हैं, हमारे लिए भी यही अब प्राथमिकता होगी कि हम किसी भी तरीके से उनके पैसे जल्द से जल्द दें, क्योंकि वो बहुत छोटे पैसे हैं पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि वो उनकी गलती नहीं थी, वो कंपनी की गलती से हुआ है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे उनको उनका रिफंड दिलाने की। तो दो आश्वासन हम अपने दर्शकों को अपनी तरफ से दे रहे हैं कि सरकार, रेगुलेटर और गो फर्स्ट, इन तीनों से लगातार हम संपर्क में हैं। आपके पास भी अगर अपने कोई सवाल है या फिर कोई तकलीफ है तो वो हमें भेजिए गो फर्स्ट के जरिए, और हम ये सारी चीजें उन तमाम एजेंसी के पास लेके जाएंगे जो आपको आपका रिफंड जल्दी दिलाने में मदद करेंगे। और जो जानकारी हमें डीजीसीए की तरफ से दी गई है कि कल जो आईआरपी और डीजीसीए की बैठक हुई थी उसमें कहा गया है कोशिश होगी कि अगले हफ्ते के पहले हाफ में यानी कि 15-16 तारीख के बीच जो है पूरी रूपरेखा डीजीसीए को सौंप दी जाए कि आखिर यात्रियों के जो पैसे हैं वो वापस कैसे किए जाएंगे।
तो कुल मिलाकर हम इस मुहिम के साथ हैं और यात्रियों के जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो यात्रियों के पैसे जो है वो पूरी तरीके से उनको वापस मिल जाए, इसलिए जी बिजनेस भी कोशिश कर रहा है। और जैसे अमरीश आपने स्पष्ट बताया कि जो उनकी रूपरेखा होगी वो 15 या 16 तारीख तक रेगुलेटर को दी जाएगी, और सरकार और रेगुलेटर की भूमिका भी वही है जो जी बिजनेस इसके लिए भूमिका लेके खड़ा है कि यात्रियों के पैसे जल्द से जल्द दे दिए जाए। 15-16 तारीख को आखिर क्या रूपरेखा तैयार की जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए।